हेलो मेरे नन्हे और प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? मुझे मालूम है कि आप सब लोग बहुत ठीक होंगे, बहुत अच्छे होंगे, घर में खूब मजे भी करते होंगे, पढ़ाई भी करते होंगे और बड़ों का आदर भी करते होंगे, उनका सम्मान भी करते होंगे। तो हिंदी की कक्षा में आपकी अध्यापिका, आपकी दोस्त बहुत बहुत आपका स्वागत करती है। तो चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। आपकी पुस्तक तरंग हिंदी पाठ्य पुस्तिका बाय अमित पब्लिकेशन से कौन सा पाठ करने जा रहे हैं? आज हम करने जा रहे हैं पाठ 8, जिसका शीर्षक है बच्चों, मेले का जादूगर। वाह, कितनी अच्छी कहानी होगी इसका, मतलब जादूगर। आप लोगों ने कभी जादूगर को देखा है? ये कोई जादू देखा है? आप झूला झूले हैं, पकवान खाए हैं? कौन कौन से पकवान खाते हैं आप लोग? और जादूगर का जादू देखा है क्या? सर्कस देखी है आपने? तो ऐसे ही एक कहानी हमारी आज का पाठ है, पाठ प्रवेश। जादूगर का जादू हमेशा से लोगों का मन मोह लेता है और उन्हें हैरान भी कर देता है। उनकी चमत्कारी कलाओं में राज छुपा होता है जो उन्हें विशिष्ट और प्रबल बनाता है। उनका प्रदर्शन और उनकी अनोखी कलाओं से लोगों को प्रभावित करने की योग्यता ही उनको सदियों तक लोकप्रिय बनाए रखती है। आइए शुरू करते हैं। जुगनू के घर के सामने एक बड़ा सा मैदान था। उसमें चारों ओर गुलमोहर और अमलतास के बड़े बड़े पेड़ थे। गुलमोहर के लाल और अमलतास के पीले फूल जुगनू को बहुत अच्छे लगते थे। एक दिन सुबह सुबह उस मैदान में कई ट्रक और ट्रैक्टर आए, जिनसे बड़े बड़े बांस, रस्से और तंबू का सामान उतारा जाने लगा। जुगनू ने घर की छत से जब ये सब देखा तो वे दौड़कर उस्मान चाचा के पास गई। किसके पास गई? उस्मान चाचा के पास गई। चाचा, ये मैदान में क्या हो रहा है? वहां इतना सामान क्यों आ रहा है? उसने उस्मान चाचा से पूछा। लगता है यहाँ मेला लगने वाला है, उस्मान चाचा ने कहा। मेला अपने घर के सामने, कितना मजा आएगा, उछलते हुए वह बोली। दूसरे दिन मेला सज गया। दूर दूर से मेला देखने लोग आने लगे। जुगनू भी चाचा के साथ कहाँ गई? मेले में गई। वहां मिठाई, कपड़े, बर्तन, खिलौने, किताबों आदि की तरह तरह की दुकानें सजी थी। छोटा सर्कस वीडियो वाला सिनेमा हॉल, पहियों वाला सिनेमा हॉल, पहियों वाला झूला और जादूगर लाचा का पंडाल जैसे अनेक पंडाल सजे हुए थे। सबसे पीछे की ओर जानवरों का बाड़ा था। वहां गाय, बैल, ऊंट और घोड़े बिक रहे थे। जुगनू चाचा के साथ घूमते घूमते जादूगर लाचा के पंडाल पर रुक गई। वहां स्टेज पर जादूगर लाचा खड़ा जादू दिखा रहा था। उसने काला कोट, काली पैंट, हरी टाई और पीली कैप, पीली टोप लगा पहनी हुई थी और हाथ में क्या था? हाथ में रुमाल था। वह बोला, हू हू हा हा। रुमाल को झटका, रुमाल से दो छोटे छोटे कबूतर निकले और उड़कर जादूगर के कंधे पर बैठ गए। फिर उसने सफेद कागज निकाला, उसे मेज पर रखकर गोल मोड़कर ट्यूब जैसा बनाया और दोनों किनारों पर क्या करा? दोनों किनारों पर क्लिप लगा दिए। उस ट्यूब में पूरा हाथ डालकर सबको दिखाया, ट्यूब खाली थी। फिर बोला, हू हू हा हा, और उसने ट्यूब में हाथ डाला तो उसमें से क्या निकला? फूलों का गुलदस्ता। यानी कि कितना बढ़िया जादू चल रहा था। जुगनू ने देखा कि वह हा हा हू करता तो कभी उसकी टोपी से गुब्बारे निकलते, कभी हाथों से नोटों की, नकली नोटों की बरसात होने लगती। जादूगर लाचा भी देख रहा था कि एक छोटी लड़की बड़े ध्यान से जादू देख रही है। उसने जुगनू को कहाँ पे बुलाया? जुगनू को स्टेज पर बुलाया। जुगनू स्टेज पर जादूगर के साथ खड़ी हो गई। जादूगर ने उसका नाम पूछा, फिर उसने एक खाली गिलास निकाला, उसमें पानी भरा। फिर जुगनू से कहा, जुगनू छूकर देखो और सबको बताओ कि गिलास में पूरा पानी भरा है या नहीं। हाँ, भरा है, जुगनू ने गिलास में उंगली डालकर पानी छूते हुए कहा। जादूगर ने फिर हू हू हा हा कहा और एक पतले धागे को दोनों हाथों की उंगलियों से खींचा, उस पर गिलास रखा। यह क्या, पानी भरा गिलास धागे पर खड़ा रहा। जुगनू हैरानी से उसे देखती रही।
इसके बाद ही जादूगर ने कहा यह शो खत्म हो गया, दूसरा शो थोड़ी देर में शुरू होगा, और स्टेज के पीछे चला गया। जुगनू स्टेज से नीचे उतरी और बोली, चाचा तुमने देखा पानी से भरा गिलास पतले धागे पर कैसे टिका रहा, गिरा नहीं। जादूगर कैसे हा हा हू कहता था ना चाचा, कहते हुए उसने हा हा हू की नकल उतारी और खूब हंसी। अरे बेटी यही तो जादू है, अब चलो और मेला घूमा जाए, तुम्हारा कुछ खाने के लिए खरीदने का मन हो तो कह देना। जुगनू खिलौनों की दुकान पर पहुंची, वहां कई तरह के खिलौने सजे थे। उसे मोम के बने तोते अच्छे लगे, हरे रंग, हरे पंख, लाल चोंच और गले में काली धारी, बिल्कुल असली तोते जैसे। देखते ही बोली, चाचा मेरे लिए दो तोते खरीद लीजिए। उस्मान चाचा ने दो तोते खरीद लिए। जुगनू फल की दुकान पर पहुंची, वहां केला, संतरा, अंगूर, अमरूद आदि कई तरह के फल बिक रहे थे। थोड़ी देर में वहां खड़ी रही, देखती रही, फिर बोली, उस्मान चाचा चार अमरूद खरीद दीजिए। चाचा ने जुगनू के लिए चार अमरूद भी खरीद लिए। अमरूद बड़े बड़े थे, उसका थैला भारी हो गया, फिर भी जुगनू से पकड़ने की जिद करने लगी। तो चाचा ने पूछा, तुमने चार अमरूद क्यों लिए, थैला इतना भारी हो गया, इसे हाथ में लटकाए मेला कैसे घूमोगी। जुगनू हंसी, खूब हंसी, हंसते हंसते बोली, चाचा बताऊं मैंने चार अमरूद क्यों लिए, एक मैं खाऊंगी, एक आप खाएंगे और दो मेरे तोते खाएंगे। पर ये तोते खाएंगे कैसे, ये तो मोम के हैं। चाचा ने कहा, हाँ हाँ जादू से खाएंगे। ये कहकर जुगनू ने जोर से ताली बजाई, हा हा हू हू जादू से खाएंगे, और ये कहकर जुगनू ने जोर से ताली बजाई। ओ अब समझा, उस्मान चाचा ने धीरे से कहा, चाचा अब चलो ना जादूगर के पंडाल में। जुगनू ने चाचा की उंगली खींची, जुगनू ये तो खेल है, सच नहीं होता। उस्मान चाचा ने तुरंत समझाया, नहीं जादू सच होता है, अभी आपने देखा नहीं, अब आप चलिए ना जादूगर के पंडाल में, जुगनू फिर बोली। दोनों फिर पंडाल में जा पहुंचे, दूसरा शो शुरू हो गया था। जादूगर कागज की काली ट्यूब के अंदर से फूल के गुलदस्ते निकालने वाला खेल दिखा रहा था। जुगनू धीरे धीरे स्टेज पर जा पहुंची, जादूगर ने उसे देखते ही कहा, आओ आओ नया जादू होने वाला है। जुगनू ने अमरूद और तोता दोनों जादूगर की ओर बढ़ाते हुए कहा, जादूगर जी हमारे इस तोते को अमरूद खिलाइए ना, चाचा कहते हैं कि मोम का तोता अमरूद नहीं खाता। जादूगर ने तोते को देखा और बोला, बात तो सच है, यह मोम का तोता अमरूद कैसे खाएगा, जादू से भी नहीं खाएगा क्या, जुगनू ने थोड़ी हैरानी से पूछा। जादूगर सोचने लगा, फिर धीरे से बोला, बेटी जादू तो खेल है, सच थोड़े ही होता है, अभ्यास और थोड़ी तरकीब से कोई भी जादूगर बन सकता है। क्या मैं भी, जुगनू ने पूछा। हाँ तुम भी, जादूगर बोला, पर मैं तो पानी से भरा गिलास धागे पर नहीं खड़ा कर सकती। जुगनू ने कहा, अरे बेटी वह गिलास तो इसलिए धागे पर खड़ा रहा क्योंकि मैंने पहले ही गिलास को एक पतले धागे से बांधकर पकड़ा हुआ था, मैंने उसे इतनी सफाई से पकड़ा कि वह तुम्हें भी दिखाई नहीं दे रहा था कि नीचे का धागा सबको दिखाई दे रहा था, इसलिए लगता था कि पानी से भरा गिलास उस धागे पर ही खड़ा हुआ है, जादूगर लाचा ने कहा। और ये जो अभी आप कागज की खाली ट्यूब से फूलों का गुलदस्ता निकाल रहे थे, जुगनू ने हैरानी से पूछा, लगता है तुम आज जादूगर बनकर ही रहोगी। चलो वह तरकीब भी मैं तुम्हें बता देता हूँ, कागज को गोल मोड़ मरोड़ कर मैंने खाली ट्यूब बनाकर सबको दिखाई, मैंने उसमें हाथ डाला, सबको यकीन आ गया कि वह खाली है, जब मैंने अपना हाथ बाहर निकाला तभी अपनी कोट की बाह में पहले से ही छिपाए कागज के गुलदस्ते को भी साथ साथ निकाला, यह इतनी सफाई से किया गया कि किसी को दिखाई ना दिया, जादूगर लाचा ने समझाया। और पंडाल में भी भीड़ बढ़ती जा रही थी। उस्मान चाचा ने जुगनू से कहा, अब चलो चले, देखा ना कि कैसे तरकीब और अभ्यास से जादू का खेल होता है। ओ तो ये बात है, ऐसा जादू तो मुझे भी आता है जो उस्मान चाचा ने हमें सिखाया है। कौन सा, मैंने भी जब नीले में से
नीले में पीला रंग मिलाती हूँ तो हरा रंग बन जाता है। जुगनू की बात सुनकर जादूगर लाचा ने कहा, बिल्कुल सही, मुझे विश्वास है तुम बड़ी होकर जरूर एक अच्छी जादूगर बनोगी। जुगनू मेले से लौटती उस्मान चाचा से बोली, मुझे भूख लगी है। भूख तो लगेगी ही, जादू के चक्कर में मेले में कुछ खाया भी नहीं, चलो अब घर में अमरूद खाना। चाचा ने कहा, नहीं, आप मेरे लिए कई तरह के फल खरीदिए क्योंकि मैं फलों की चाट बनाऊंगी। चाचा, जब आप फल की चाट बनाते हैं तो सब कहते हैं उस्मान चाचा के हाथ में जादू है, उनके जैसी कोई अच्छी चाट नहीं बना पाता। हू, हा हा हा, है ना। तो बच्चों, ये था हमारा आज का पाठ। कैसा लगा आपको जादू वाला पाठ? इसमें कितने सारे जादू थे, है ना। और अब हम करने जा रहे हैं कठिन शब्द, अमलतास, गुलदस्ते, पंडाल, अभ्यास, सर्कस, अमरूद, गुब्बारे और अंगूर। और अब है शब्दों के अर्थ। पंडाल का अर्थ है वह मंडप जो किसी उत्सव अधिवेशन के लिए बनाया जाता है। बाड़ा का अर्थ है पशुओं को रखने का स्थान। जादूगर यानी जादू दिखाने वाला। स्टेज यानी मंच। अभ्यास, किसी कार्य को बार बार करना। तरकीब का अर्थ है उपाय और यकीन का अर्थ है विश्वास। और अब हम करने जा रहे हैं बच्चों प्रश्न उत्तर। सबसे पहले है, जुगनू के घर के सामने मैदान में कौन कौन से पेड़ थे? जुगनू के घर के सामने मैदान में अमलतास और गुलमोहर के पेड़ थे। मैदान में क्या लगने वाला था? मैदान में मेला लगने वाला था। जादूगर का नाम क्या था? जादूगर का नाम था लाचा जादूगर। जुगनू मेला किसके साथ देखने गई? जुगनू मेला देखने उस्मान चाचा के साथ गई थी। और अब है सही विकल्प पर हमें सही का चिन्ह लगाना है। सबसे पहले, जुगनू के घर के सामने था मैदान, स्टेडियम, पार्क या मेला? जुगनू के घर के सामने था मैदान। जादूगर की टोपी कौन से रंग की थी? लाल, हरी, काली या पीली? जादूगर की टोपी थी पीली। जुगनू के पास तोते कागज के, प्लास्टिक के, मोम के, फूलों के? जुगनू के पास तोते थे मोम के। मैदान के पेड़ लगे थे आम, केले, गुलमोहर और अमलतास। मैदान में पेड़ लगे थे गुलमोहर और अमलतास दोनों के। और अब क्या पूछा है? अब कहा है, किसने कहा, किससे कहा? एक मैं खाऊंगी, एक आप खाएंगे, दो मेरे तोते खाएंगे। ये किसने कहा था? ये कहा था जुगनू ने। और किससे कहा था? उस्मान चाचा से। यह तो खेल है, सच नहीं होता। ये किसने कहा था? चाचा ने किससे कहा था? जुगनू से। तुम बड़ी होकर जरूर एक अच्छी जादूगर बनोगी, ये किसने कहा था? ये जादूगर ने। किससे कहा था? जुगनू से। लगता है यहां मेला लगने वाला है, ये किसने कहा था? उस्मान चाचा ने। और किससे कहा था? जुगनू से। और लगता है तुम आज जादूगर बन के ही रहोगी, ये किसने कहा था? जादूगर ने। किससे कहा था? जुगनू से। और अब क्या करना है हमें? अब हमें सही मिलान मिलाना है। मैदान बहुत बड़ा, टाई हरी, चाचा का नाम था उस्मान, पेड़ जादूगर का नाम था लाचा, और पेड़ किस किस चीज के लगे थे? अमलतास और गुलमोहर के। तो हमने सही मिलान मिला दिया। मैदान को बहुत बड़ा से, टाई हरे रंग से, चाचा उस्मान, जादूगर का नाम लाचा, और पेड़ कौन से थे? अमलतास और गुलमोहर। और अब हम जा रहे हैं करने अगला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति। और रिक्त स्थानों की पूर्ति में क्या है? सुबह सुबह मैदान में कई ट्रक और ट्रैक्टर आए। तो हमने यहां पे क्या लिख दिया? ट्रक और ट्रैक्टर। जुगनू ने मेले से क्या लिए? कितने अमरूद लिए थे? जुगनू ने मेले से 4 अमरूद लिए। जादूगर ने जुगनू को कहां पे बुलाया? स्टेज पर। जादूगर का नाम क्या था?
जादूगर का नाम था लाचा। जादूगर ने काली ट्यूब से फूलों का क्या निकाला? फूलों का गुलदस्ता। जादूगर ने काली ट्यूब से फूलों का गुलदस्ता निकाला। और अब हम चल रहे हैं अगला प्रश्न के उत्तर। मेले में कौन कौन से पंडाल लगे हुए थे? मेले में बच्चों खिलौनों के, किताबों के, बर्तनों के, मिठाइयों के, और वो थी मूवी का, सिनेमा के, और जादूगर लाचा का स्टेज का पंडाल था। इस फलों के बहुत सारे पंडाल लगे थे, और दूसरी तरफ क्या था? जानवरों के का बाड़ा भी था, जिसमें ऊंट था, भैंस थी, गाय थी, बैल थे। इनको भी, ये भी जानवर जो थे इनके भी, ये भी थे, इनको भी बेचने के लिए आए हुए थे। ये सारा कुछ, इतने सारे पंडाल लगे हुए थे। जादूगर का पहनावा क्या था? जादूगर ने काले रंग की पैंट, काले रंग का लंबा कोट पहना हुआ था, और सिर पर जो थी उसने हरे रंग की टोपी लगाई हुई थी, और पीले रंग की टोपी लगाई हुई थी, और हरे रंग की टाई लगाई हुई थी। जादूगर ने कौन कौन से जादू दिखाए? जादूगर ने बहुत सारे जादू दिखाए थे। जादूगर ने हाहा हू किया, और एक वो ट्यूब जो था व्हाइट कलर, सफेद रंग का एक कागज था, उसको फोल्ड किया, उसको ट्यूब लगाया, और उसके अंदर से उसने क्या निकाला? उसके अंदर से उसने गुलदस्ता निकाला। कभी वो हाहा हू करके करता था, कभी वो कबूतर निकाल देता था, कभी नोटों की बारिश कर देता था, कभी वो गुब्बारे निकाल देता था। इस तरह उसने बहुत सारे जादू दिखाए थे। जुगनू ने मेले में से क्या खरीदा? जुगनू ने मेले में से दो मोम के तोते खरीदे थे, और अमरूद खरीदे थे, और दूसरे टाइप और दूसरे फल भी खरीद रही थी वो। जुगनू उस्मान चाचा को दोबारा जादूगर के पास क्यों ले गए? जुगनू उस्मान चाचा को दोबारा से जादूगर के पास और जादू देखने के लिए लेके गई थी, और दूसरा एक और शो देखते हैं जादू देखने के लिए। जादूगर ने खाली ट्यूब से फूलों का गुलदस्ता कैसे निकाला? जादूगर ने खाली ट्यूब को क्या किया? उसने पहले उसको पूरा फोल्ड किया पेपर को, उसका एक ट्यूब बनाया, उसमें दोनों तरफ क्लिप लगाए, और फिर उसने हाहा हू हू किया, उसमें हाथ डाला, और एकदम से उसमें फूलों का गुलदस्ता बन गया था। इस कहानी से हमें जुगनू के चरित्र की कौन कौन सी विशेषताएं पता चलती हैं? इस कहानी से पता चलता है कि जुगनू कितनी निर्भीक थी कि वो स्टेज पर आ गई, उसके अंदर सीखने की एक ललक थी, वो इसको सीखना चाहती थी इस तरह से। और जुगनू जो थी वो बहुत ज्यादा जो थी बहुत समझदार थी, बहुत बुद्धिमान थी। तो ये हमें जुगनू की विशेषताएं देखने को मिलती हैं। तो बच्चों, इसके साथ आज का ये पाठ यही समाप्त होता है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत मनोरंजक लगा होगा। नए पाठ के साथ बहुत जल्दी आते हैं, तब तक के लिए आभार।